दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण चौधरी सीएलसी सीकर से आज 9 जून 2024 को ये वीडियो में शूट करने जा रहा हूँ नीट 2024 के रिजल्ट के बारे में और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन बेटे बेटियों के लिए 2025 के लिए आपकी सीएलसी कब बैच स्टार्ट करने जा रही है, उनकी फीस क्या है, उनकी स्कॉलरशिप क्या है, हॉस्टल की क्या है, क्लास की क्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप सब जानते हैं इस बार साहिल और साहिल की पूरी टीम ने, साहिल मेरा बड़ा बेटा, उसकी टीम ने मिलकर इस बार जो काम किया मैं ये कह सकता हूँ कि एक असंभव सी घटना को इन्होंने संभव किया। दोस्तों आप देखें 715 पे 6 बच्चा है, इस बच्चे में ग्रेस मार्क्स का बच्चा कोई नहीं है। ये ग्रेस मार्क्स का अर्थ आप समझ रहे हैं, इस बार अभी पिछले 3-4 दिन से मार्केट में ग्रेस नंबरों का एक बड़ा पंगा चल रहा है। तो ये 715 पे जो हमारा 6 बेटा बेटी है ये बिल्कुल ओजल है, अभिषेक है, स्वीटी है, मनमोहन है, कंचन है, तरुण यादव है, 2 बच्चे हरियाणा से हैं, 4 बच्चे राजस्थान के हैं, तरुण यादव एक 12वीं क्लास का बच्चा है। ये रिजल्ट की बड़ी अच्छी खुशबू है। और 700 नंबर पे बात करें तो आप देखो 65 बेटा बेटी 700 नंबर पे है। और दोस्तों कुल सिलेक्शन की बात करें, सीकर के मार्केट को लेके बात करूं तो हमारे सीकर में कुछ साथियों ने लास्ट पूरी साल एक बड़ा दुष्प्रचार किया, एक नैरेटिव बनाया कि हमारे पास 30,000 बच्चा है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, सीएलसी के पास तो 6-7,000 बच्चा है। कुछ साथियों ने विश्वास भी किया, पर आज चलो उनकी बात को मैं सही मानता हूं, उनके रिजल्ट 30,000 में से हैं, हमारे 8,000 में से मान लेते हैं साहब, तो 8,000 में से 1500 बेटे बेटियों को गवर्नमेंट सीट पे दी एमबीबीएस की सीट मिलती है। तो आप सोच लो हर 5वां-6ठा बच्चा हमारा एमबीबीएस जा रहा है, यानी सीकर में नीट 2024 का श्रेष्ठ परिणाम जिस संस्था का है उसका नाम दोस्तों सीएलसी है। हमने कहा था सीएलसी बहुत सच बोलती है, हमने रिजल्ट से पहले कह दिया था कि हमारे 43 बच्चे 700 प्लस पे हैं, तो साहब मुझे इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 65 बच्चे में 43 बच्चा हमारी क्लासरूम का है, उस 43 में दोस्तों 5 बच्चा 12वीं के साथ है, 23 बच्चा फ्रेशर है और 22 बच्चा हमारा टेस्ट सीरीज का है। बिल्कुल हम स्वीकारते हैं साहब, हमारी टेस्ट सीरीज चलती है, हमारा कोटा बड़ा टेस्ट सेंटर है, सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, दिल्ली, चौमू, कोटा हमारे टेस्ट सेंटर है। कुछ साथी बड़ी झूठ का सहारा लेते हैं कि सारे बच्चे हमारे क्लासरूम के हैं, तो जब क्लासरूम के बच्चे हैं तो उनको पूछे भैया जनवरी फरवरी में आप जिन बच्चों के एडमिशन दिखा रहे हो उनके बाद रिजल्ट तो दिखा रहे हो, वो कौन से एडमिशन आपने किए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों के झूठी बातों में नहीं आए, सीएलसी की तरह क्रिस्टल क्लियर बात करनी चाहिए। तो हमने साफ कहा 43 बच्चे क्लासरूम के हैं, आज ये देखो 43 के बच्चे क्लासरूम के हैं, 22 बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज के हैं। आगे बात को दोस्तों बढ़ाते हैं, सीएलसी असंभव को संभव कैसे करती है, एक स्लाइड से देखें। एक मनमोहन देवड़ा नाम का बच्चा है जो 11वीं 12वीं स्कूल से पढ़ के आता है, उसका स्कोर है 236 लास्ट ईयर, आज 715 पे आता है, 479 का जंप करता है। दोस्तों 479 का जंप करने का मतलब है सीएलसी की टीचिंग टीम बहुत मजबूत है। दूसरा बच्चा रामदेव है जो 443 से 700 पे जाता है, ओम प्रकाश पारीक है जो 475 से 700 पे जाता है, उत्कर्ष मोरवाल है जो 488 से 706 पे जाता है, आर्यन पांडे है जो 498 से 705 पे जाता है। ये 5 एग्जाम्पल वो लिए मैंने जिनका नीट चॉइस का स्कोर 700 से ज्यादा है और सारे 5 बच्चे मेरी क्लासरूम के हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूं दोस्तों, एट परसेंट सीकर में सबसे बेस्ट टीचिंग टीम, सबसे बढ़िया स्टडी मटेरियल, सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज वो किसकी है, सीएलसी की है। सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज का अर्थ बताऊं दोस्तों क्या है, ओपन चैलेंज देता हूं वीडियो में, कोई स्टूडेंट ये आके कह दे कि टेस्ट से कम नंबर मेरे नीट में आए हैं आओ हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। और सीएलसी की जो क्वालिटी है टेस्टों की वो आप देखें, इसी कारण हजारों हजारों बच्चे हमारे टेस्ट जुड़ करते हैं। ये रवीना नाम की बच्ची स्लाइड देखें, ये पनियाना जैसलमेर की बच्ची है, ये हमारे कोटा टेस्ट सेंटर पे थी साहब, इस बच्चे ने 99 टेस्ट दिए हैं और टेस्ट का एवरेज 662 नंबर है, एग्जाम में 701 नंबर आए हैं साहब। 12th के बच्चों की बात करें तो दोस्तों मार्कशीट देखें हम तरुण यादव की, इस लड़के ने 101 टेस्ट दे रखे हैं, इसका एवरेज आप देखें उससे ज्यादा आपका मार्क्स नीट में आए हैं। तो आप सोच के देखो जिस किसी कोचिंग के टेस्टों का लेवल अपडेट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि सीएलसी के जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उनको पता है कि एग्जाम में क्या आता है। मेरे शिक्षक वो नहीं पढ़ाते जो उनको आता है, वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। दोस्तों अब तक की बात का सार ये है, हर 6ठा बच्चा नीट 2024 में गवर्नमेंट सीट पे अपने सीट सिक्योर करने जा रहा है, लगभग 1500 बेटे बेटियां सिलेक्ट होने जा रहे हैं,
700 के ऊपर 65 बच्चे हैं, जिनमें 43 क्लासरूम से हैं, 22 बच्चा टेस्ट सीरीज से है। हरियाणा स्टेट की बात करें दोस्तों, इस बार हरियाणा स्टेट को हम टोटल 101 सिलेक्शन देने जा रहे हैं, जिसमें 18 बच्चा 12वीं के साथ है, 66 बच्चा हमारा हरियाणा की बात कर रहा हूँ क्लासरूम का है, और 17 बच्चा दोस्तों इसमें टेस्ट सीरीज का है। और टॉपर्स की बात करें तो 700 में 12 बच्चा आप देखें हरियाणा से है, 7 बच्चा टारगेट से है, 3 बच्चा 12वीं के साथ है, और 2 बच्चा टेस्ट सीरीज का है। तो राजस्थान के बाद सीएलसी में सबसे बड़ी संख्या हरियाणा स्टेट की आती है, और हरियाणा के साथियों को, हरियाणा के मेरे परिवारजनों को सीकर में सबसे अच्छा रिजल्ट कोई संस्था दे रही है तो वो आपकी सीएलसी है, औजद राव जो 715 पे है। कैसे बनते औजद राव, ये मेरी गुड़िया औजद राव जो है ना, इसके लास्ट ईयर 612 नंबर थे, मेरे कहने से इसे वापस ड्रॉप लिया, आज 715 पे है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो डियर, मैं एक ही बात कह सकता हूं, बेस्ट सिस्टम, बेस्ट नोट्स, बेस्ट रिजल्ट, और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट में ईमानदारी के साथ। क्लासरूम है तो क्लासरूम है, डीएलपी है तो डीएलपी, इसकी बात मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैंने की है। अब उन बच्चों से बात करने जा रहा हूं जो किसी भी कारणवश इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो दोस्तों इस स्लाइड देखो, 23 से 24 में जो जंप हमने लगाया है ना, 24 से 25 में इससे भी ज्यादा जंप लगाएंगे। ये जंप आप देखें, एट परसेंट जो सिस्टम काम कर रहा है, 29 साल का अनुभव है हमारा, उस 29 साल के अनुभव पे मेरे बेटे साहिल ने एक नए सोच के साथ, नए विचार के साथ जो असंभव को संभव किया, वो ये है 2021-22-23 पिछले 3 साल में, पहले 1000 में हमारे 24 बच्चे थे, आप देखे साहब इस बार अकेले 2024 में 25 बच्चे हो गए। लास्ट ईयर नीट 2023 में 3,500 की रैंक में, आप स्लाइड देखें, मात्र 23 बच्चे थे, आज बढ़ के 110 बच्चे हुए। 23 को 5 से गुणा करो 115 होते हैं, लगभग 5 गुना बढ़ी है। तो मैं विश्वास से कह सकता हूं, मेरी टीम और साइल के मैनेजमेंट के बलबूते कह सकता हूं कि 23 से 24 में जो 4 गुना हुआ है, वही 4 गुना हम 24 से 25 में करेंगे। लेकिन उसकी शर्त है, आपको ओजल की तरह, स्वीटी की तरह, मनमोहन की तरह, कंचन बिश्नोई की तरह, तरुण यादव की तरह विश्वास करके सीएलसी आना होगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन बच्चों से जो नीट 2024 में सिलेक्ट नहीं हो पाए, 2025 के लिए आपकी सीएलसी क्या करने जा रही है। तो 13 जून, 20 जून, 27 जून हर थर्सडे को आपकी सीएलसी नए बैच स्टार्ट करने जा रही है। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि स्कूल से पढ़ के आया मनमोहन जब अपने स्कोर को लगभग 230-235 से बढ़ा के दोस्तों 715 कर लेता है, तो टीम सीएलसी आपके साथ भी कर सकती है। हमारी स्वीटी बेटी जो है वो 606 पे थी, वो 715 पे आई है। वो जो राव है वो 612 पे थी, वो 715 पे आई है। ऐसे दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन शर्त वही है, विश्वास आपको उतना ही करना होगा जितना स्वीटी ने किया, ओजल ने किया, मनमोहन ने किया, कंचन ने किया, अभिषेक चौधरी ने किया। अब आप कहेंगे सर ये बात तो आपकी सही है, विश्वास भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कोई 2 साल से लगा हुआ है, कोई 3 साल से लगा हुआ है, फाइनेंशली सर बहुत परेशान है, तो आ जाओ दोस्तों, उसका भी एक रास्ता है। आपकी अपनी सीएलसी, यदि आपका नीट का स्कोर 640 और SC/ST 530 है तो फ्री है पढ़ाना। 630 नंबर से ऊपर के बच्चे का हॉस्टल फ्री है। अब आप फीस देख लें, 620 की, 600 की स्लाइड देख लो, अलग अलग नंबरों की फीस है। उसके बाद भी जरूरतमंद बच्चे के लिए कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ, हम किसी जरूरतमंद बच्चे को मना कभी करते नहीं। हाँ, लेकिन आप भाव से आए, मोल भाव से नहीं आए। आप हॉस्टल की बात करें तो 630 पे तो आपका टोटली फ्री है, 620 से 630 में हम आपको लगभग 2-3 महीने का हॉस्टल फ्री कर देंगे, 600-620 के बीच है वहां भी 1-2 महीने का हॉस्टल फ्री कर देंगे। और उसके बाद इस बार साहिल ने एक बहुत अच्छा आइडिया क्रिएट किया कि पापा हम सब बच्चों को हॉस्टल फ्री नहीं दे सकते, हॉस्टल सीट भी होती है, तो हमारी मैस में बाहर के बच्चों को खाने की परमिशन नहीं होती थी। तो एक राय देता हूं दोस्तों, आप सीएलसी के आसपास जिसका स्कोर नीट का 550 ऊपर है जनरल ओबीसी में और 450 से ऊपर है SC/ST में, आप सीएलसी के आसपास 2-3 दोस्त लेके कमरा ले लो। मान लो कमरा मिल गया आपको 2 दोस्तों को या 3 दोस्तों को 4,000 रुपए में, तो एक किसे कितने रुपए, 2,000 रुपए हम आपको मैस में नाश्ता लंच डिनर दे देंगे 3,000 रुपए में, तो 5,000 रुपए में आप सीख रह सकते हो। इससे सस्ती नीट की तैयारी दुनिया में दोस्तों कहीं नहीं हो सकती। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, एज ए मेंटर, एज ए सेल्स डायरेक्टर, या ये कह सकता हूं कि एज एक वेल विशर, आपने 1-2 साल तैयारी की है तो आपको अपने मिशन को छोड़ना ही नहीं चाहिए, अपने सपने को अधूरा मत छोड़ो, एक बार फिर से खड़े हो, हिम्मत आप जुटाओ,
सहयोग हम करेंगे। एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी सारे कदम हम बढ़ाएंगे। उसी प्रकार से पिछली बार हमारे पास यूपी से बच्चे आए, बिहार से आए, बंगाल से आए, सब जगह से दूर दूर से बच्चे, लास्ट ईयर भी इसी प्रकार का हमने स्कॉलरशिप दी थी, उन सब के थ्रू बच्चे आए, वो 90% बच्चा आज हमारा सेलेक्ट हो रहा है। तो देश में जहां भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, लेट मत हो, 13 जून से एक बहुत शानदार बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेशर का बैच अलग होगा, रिपीटर का अलग होगा, आरए बैच अलग होगा, आरए प्लस बैच अलग होगा। और आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं, वो कहे सर सीकर तो नहीं आ सकते, अब केवल टेस्ट 3 ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप देख लो सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली और चौमू, ये हमारे ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है। ऑनलाइन तो आप पूरे देश में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस क्या है तो आप देखें, इसकी ओवरऑल फीस तो 10,000 रुपए है, पर यहां भी 600 नंबर फीस अलग है, 500 रुपए अलग है, 400 रुपए अलग है, तो यहां भी स्कॉलरशिप है। और जो ऑनलाइन है उसकी फीस दोस्तों 4,000 रुपए, ऑनलाइन हम कोई स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। और 23 जून को इसका पहला टेस्ट होने जा रहा है। तो ये बात आपसे हुई तो मैं मेरी बात को समराइज कर देता हूं। सीकर में श्रेष्ठतम रिजल्ट सीएलसी का है, और 23 से 24 में जो प्रगति की फिर स्लाइड को देखें, इतनी प्रगति हम लोग 25 में करेंगे। आप जुड़े सीएलसी के साथ। थोड़ी सी बात दोस्तों इस पे मैं संस्था के बारे में और भी कर लेता हूं। आपके अपने सीएलसी सीकर में नीट जेई एनडीए की तैयारी करवाती है। एडवांस का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, जेई मेन का रिजल्ट जो आया था आप देखें 98% पे, जहां लास्ट 17 बच्चे थे आज बढ़ के 64 बच्चे हैं। एनडीए एक सेपरेट विंग चलती है हमारी। इसके अलावा भी सीकर में सीएलसी का, आरबीसी का, सीबीएसई का, हमारे खुद के अपने स्कूल हैं, तो आप केवल स्कूलिंग ज्वाइन करना चाहें तो भी हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। साइंस में, आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, सीबीएसई ये है। रिजल्ट की बात करें तो इस बार दोस्तों आप देखें 12th साइंस की स्टेट मेरिट है हमारी, 12th आर्ट की फर्स्ट रैंक हमारी, 10th की स्टेट मेरिट हमारी। और सीकर के अलावा जयपुर, अलवर, बीकानेर हमारे नीट जेई के कोर्सेज चलते हैं, फाउंडेशन एंड टारगेट। और अलवर में तो हमारा खुद का स्कूल भी है, 6 से लेकर 10 तक स्कूल है सीएचएस, जहां अपने एक तरह से प्री फाउंडेशन चलाते हैं, 11-12 फाउंडेशन है और 12 के बाद टारगेट कोर्स है। दोस्तों बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा, निराश नहीं हूं। जो बच्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं मेरे को, समझते हैं श्रवण को, विश्वास करें, आओ मिलके सपने देखते हैं और सब मिलके सपनों को बड़ा करते हैं और फिर सब मिलके उनको पूरा करते हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।